केरल में फैले लाइलाज निपाह वायरस का खतरा अब दिल्ली एनसीआर में भी नजर आने लगा है, जिसके चलते दिल्ली और आसपास के इलाके में अलर्ट जारी कर दिया गया है। खासकर केरल से आने वाली ट्रेनों पर रेलवे अधिकारियों की ओर से विशेष ध्यान रखा जा रहा है। रेलवे ने केरल से आने वाली सभी तरह की दैनिक और साप्ताहिक ट्रेनों के लिए हाई अलर्ट जारी करते हुए दिशा निर्देश दिए हैं कि अगर इन गाड़ियों में से किसी की तबीयत बिगड़ने की जानकारी मिले तो तुरंत उसका इलाज कराया जाए। इसके अलावा रेलवे ने डॉक्टरों की टीम को भी हर तरह की सावधानी बरतने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने डॉक्टरों को निपाह वायरस से जुड़ी हर तरह की जानकारी, जैसे संक्रमण के लक्षणों व ऐसे मरीजों के लिए बरती जाने वाली सावधानियों के बारे में बताया गया। रेलवे ने ये भी निर्देश दिया है कि इस तरह के हर मामले को गंभीरता से लें और इससे जुड़ी छोटी बड़ी हर सूचना रेलवे प्रशासन को दी जाए। एक्सपर्ट्स ने लोगों को बचाव के लिए केरल से आ रहे खाने पीने की वस्तुओं के उपयोग में भी सावधानी बरतने की सलाह दी। उनका सुझाव है कि वहां से आने वाले केले, खजूर और आम अच्छे से धोकर खाएं। गौरतलब है कि रमजान के महीने में खजूर सबसे ज्यादा खाए जाते हैं। इसके अलावा दिल्ली में केले और आम भी केरल से मंगाए जाते हैं। दिल्ली के अलावा जिन राज्यों में अलर्ट जारी किया गया है उनमें कश्मीर, गोवा, गुजरात, राजस्थान, तेलंगाना शामिल हैं। इसके साथ ही हिमाचल प्रदेश के नाहन गांव के एक सरकारी स्कूल परिसर में चमगादड़ों का शव मिला है। एक साथ स्कूल में इतने चमगादड़ों की मौत को प्रशासन ने गंभीरता से लिया। पूरे राज्य में निपाह को लेकर सतर्क रहने की सलाह दी गई है। अभिभावकों से भी बीमार बच्चों को स्कूल नहीं भेजने की सलाह दी गई। स्कूल के आसपास के लोग बताते हैं कि पेड़ पर कई वर्षों से चमगादड़ रहते हैं। वहीं दूसरी ओर वन विभाग के डीसी ने कहा कि क्षेत्र में किसी तरह का वायरस नहीं फैला है। चमगादड़ों की मौत किसी भी संक्रमण की वजह से नहीं है। हालांकि मौत की असली वजह का खुलासा पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद ही आ पाएगा।